Standard 9, chapter name, structure of atom. Previously, we have studied discovery of neuron. Today, we are going to start isotopes and radioactivity. Write the short note on isotope and radioactivity. Isotope, it has been proved experimentally with the help of the mass spectrometer that the atom of same element have more than one atomic mass. Atom of same element having different masses called isotope. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि सेम टाइप के अगर एलिमेंट रहेंगे ना तो सेम टाइप के एलिमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट मास रहेंगे किसके जिसको बोलते हैं हम आइसोटॉप मीन्स प्रोटॉन सेम लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी ये वो बात बोलना चाहते हैं जिसको बोलते हैं आइसोटॉप प्रोटॉन सेम लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग अलग तो देखो एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं ऊपर देखो नॉर्मल हाइड्रोजन तो नॉर्मल हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1H1 यहाँ पे प्रोटॉन 1 यहाँ पे ड्यूटेरियम तो 1H1D2 तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 था यहाँ पे भी 1 जो नीचे होता है ना इसको प्रोटॉन बोलते हैं ट्रिटियम तो यहाँ पे भी 1 per 3 तो सब में प्रोटॉन सेम लेकिन ऊपर मिस एटॉमिक मास यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सेम एलिमेंट है लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है अलग अलग है तो जिसको बोलते हैं हम आइसोटोप एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट विच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस इज नॉन आइसोटॉप अब भी बात की वही इफ इन एन एलिमेंट टू और मोर एटम हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देयर विल बी अ डिफरेंस इन मास ऑफ दिस एटम्स ओके देखो ऊपर जो स्ट्रेंथ आती है ना वो किसकी आती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नीचे जो होता है वो प्रोटॉन होता है और ऊपर जो आता है ना 1, 2, 3 वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आता है तो क्या कि टू और मोर एटम ऐसे ले लो कि जब जिसमें प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा लेकिन उन सब में जो न्यूट्रॉन रहता है उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग रहेगी तो उन सबको एक दूसरे के आइसोटॉप्स बोलते हैं फोर्थ पॉइंट आइसोटॉप हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास अलग अलग है लेकिन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी सेम ही रहेगी फिफ्थ पॉइंट हाइड्रोजन एटम हैज ऑल थ्री आइसोटॉप नॉर्मल हाइड्रोजन तो 1H1 जिसको बोलते हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम तो 1D2 ट्रिटियम तो 1T3 इन ऑल दिस केसेस थ्री आइसोटॉप देयर इज अ वन प्रोटॉन नहीं वो अभी बात की ना कि सब में प्रोटॉन की जो स्ट्रेंथ है वो तो वन ही है नीचे वन वन दिया है ना 1H1, 1D2, 1T3 लेकिन इन नॉर्मल हाइड्रोजन देयर इज अ नो न्यूट्रॉन क्यों नो न्यूट्रॉन क्योंकि हमने बात की अभी जो प्लस वन ये वन आया वो वन किससे आया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की स्ट्रेंथ उसमें से प्रोटॉन ही वन है तो न्यूट्रॉन कितना होगा जीरो सेकंड प्रोटॉन वन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम टू तो प्रोटॉन वन है तो न्यूट्रॉन कितना होगा वन यहां पे ट्रिटियम प्रोटॉन वन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम थ्री तो न्यूट्रॉन कितना होगा टू तो यहाँ पे लिखा है देखो नॉर्मल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है ड्यूटेरियम में वन है और ट्रिटियम में टू क्यों क्योंकि जो नीचे जो दिया हुआ है 1H1 तो ये वन प्रोटॉन है ये 1D2 तो वन प्रोटॉन है 1T3 तो वन प्रोटॉन है लेकिन जो ऊपर आता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम यहाँ पे वन है यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम टू है यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम थ्री है ओके इसी से पता चला कि न्यूट्रॉन 0, 1 and 2 है दस देर इज अ नो चेंज इन एटॉमिक मास ऑफ द ऑल आइसोटॉप्स बट देर एटॉमिक मासेस आर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली ओके फिफ्थ पॉइंट में सिक्स सम आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट हैविंग अ हाई एटॉमिक मासेस सो द प्रॉपर्टी कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी कुछ आइसोटॉप ऐसे भी है जी कुछ आइसोटॉप्स ऐसे भी हैं जिसके एटॉमिक मासेस बहुत हाई है और जो आपको प्रॉपर्टी दिखाएगी किसकी रेडियो एक्टिविटी आपको रेडियो एक्टिविटी पता है ना जो जापान में जो दो एटॉमिक बॉम्ब्स थे हिरोशिमा और नागासाकी में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो वो ही उसमें जो सब्सटेंस थे ना वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे तो उसके एग्जांपल्स यूरेनियम प्लूटोनियम और दूसरा एक आता है थोरियम भी आता है क्या आता है थोरियम तो यूरेनियम प्लूटोनियम एंड थोरियम ये सब किसका एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव फिर सेकंड टॉपिक रेडियोएक्टिविटी सेकंड टॉपिक रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट लाइक रेडियम थोरियम यूरेनियम हैविंग हाई एटॉमिक मासेस अंडरगो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड एमिट इनविजिबल रेडिएशन दिस प्रॉपर्टी इज नोन रेडियोएक्टिविटी मींस यूरेनियम थोरियम
प्लूटोनियम, रेडियम, ये सब जो है वो एलिमेंट में हाई एटॉमिक मास है और वो उसमें से एमिशन मिस एमिट करते क्या, इनविजिबल, जो आप देख नहीं सकते ऐसे रेडिएशन, जिसको बोलते हैं आप रेडियो एक्टिविटी. सेकंड, बिकॉज दिस एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, दे एमिट अल्फा बीटा रेडिएशन हैविंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल गामा रे. अभी रेडियो एक्टिविटी है तो रेडियो एक्टिविटी में से क्या क्या निकलता है, तो अल्फा बीटा निकलता है, तो अल्फा बीटा रेडिएशन जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव. फिर न्यूट्रल, एक गामा रे है न्यूट्रल, वो भी उसमें से निकलता है. तो सेकंड, थर्ड पॉइंट, एज द मास ऑफ द एटम इंक्रीजेस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो इंक्रीजेस. क्या बोला है, एज द मास ऑफ द एटम इंक्रीज, जैसे जैसे एटम का मास इंक्रीज होता जाएगा द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू द प्रोटॉन ऑल्सो इंक्रीज. क्योंकि हमको पता है प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, नीचे जो स्ट्रेंथ दी होती है ना, यहाँ पे देखो 111 जो नीचे स्ट्रेंथ दी है वो प्रोटॉन है, लेकिन जो ऊपर की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, मास, एटॉमिक मास, जिससे हमको न्यूट्रॉन पता चलता है. ओके, दिस मेक्स द न्यूक्लियस अनस्टेबल. जैसे जैसे न्यूट्रॉन की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो अनस्टेबल होता जाएगा. सो दे एमिट रेडिएशन टू मेक न्यूक्लियस स्टेबल. अभी न्यूक्लियस अनस्टेबल, कोई भी, हमको पता है हम भी अगर हाइपर हो जाते हैं तो गुस्सा निकल जाता है, वैसे भी न्यूक्लियस में भी होता है. अगर वो अनस्टेबल है तो उसमें से भी कुछ निकालना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, ये रे को बाहर निकाल देता है. ओके, तो सच एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव. कुछ, कोई भी चीज अनस्टेबल होती है तो अनस्टेबल में से स्टेबल होने के लिए उसको कुछ ना कुछ एमिट करना पड़ता है. फोर्थ पॉइंट, द एलिमेंट हुज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो इंक्रीजेस बाय 1.6 टाइम्स इज बिकम्स रेडियो एक्टिव. तो ये भी एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.6 से ज्यादा हो जाएगा तो वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा.